जय हिंद प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओम गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम आपको 15 अक्टूबर को जो भी पैट की परीक्षा हुई है उसकी फर्स्ट क्वेश्चन के मतलब फर्स्ट शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं, जिसमें 4 DI हैं और 5 बाकी के क्वेश्चन हैं, यानी टोटल अपने 25 क्वेश्चन आए थे, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट होगी, अगले वीडियो में सेकेंड, फिर 16 की फर्स्ट शिफ्ट और 16 की सेकेंड शिफ्ट। इस तरीके से हम 4 वीडियो में आपको पूरे पैट में आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप अगर आपकी शिफ्ट का ये है तब भी आप देखिएगा, क्योंकि आपको आंसर्स मिलाने होंगे, आपको लगेगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। और अगर आपकी ये शिफ्ट नहीं है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप ये देखेंगे कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन में अपने आप में एक बहुत अच्छा लेवल सेट किया गया है। तो ये चीज़ बहुत विशेष तौर पर देख के रखिएगा, ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम में आपका फोकस और आपकी तैयारी किस लेवल पे होनी चाहिए, ये आने जो अभी एग्ज़ाम होते हैं उनसे ही डिसाइड होता है। तो हम शुरू करते हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। अब आप देखिएगा कि ये तालिका दी गई है, इसमें दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी का व्यय दिखाया गया है और व्यय के मद यानी यहाँ पे दिया गया है कि जो अपने आइटम्स हैं किन किन पे खर्च करता है, जैसे वेतन पे कितना है ना, ईंधन पे ये सब दिया है, बोनस है, ब्याज पे कितना दे रहा है, कर यानी ब्याज कितना दे रहा है, कर पे कितना है, सो सब टैक्सेशन वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया। आप पढ़िएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने थे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने थे और सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव जो थे वो क्वेश्चन ही थे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2011 में, तो जैसे 2011 की बात करी तो मेरा पूरा फोकस 2011 में होना चाहिए। कह रहा है 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, सभी पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत था, यानी 2011 का टोटल यहाँ लिखना है और फिर 2000 किसका बेटा, 2011 का और 2015 का इनका परसेंटेज बाद में निकालना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इनको जोड़ते हैं। तो देखो 300 और 100 400 85 85 85 और 2 87 87 और 13 कितना होता है, 500 हो जाएगा, 500.4, यानी यहाँ खर्चा जो है वो 500.4 का है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये अगर जोड़ेंगे तो इसको जोड़ लो, 450 150 ही जोड़ो, 450 150 600 600, और ये जोड़ो 88 और 2 90, 690 हो गया, 88 और 2 690 हो गया बेटा। इसके बाद देखिएगा ये 39, और ये देखो 2.96 और 0.4 को जोड़ेंगे तो बताइए, देखिएगा ध्यान से बहुत अच्छे से, 39.4 को और किसको जोड़ना है, मुझे जोड़ना है 2.96 को। तो कुछ लोग यहाँ गड़बड़ क्या किए हैं कि सीधे सीधे उन्होंने इसको 4 मान के इसमें जोड़ दिया है 96 में और पूरा 3 मान लिया, जो कि गलत हो गया है, यहीं से गलती हुई है बेटा। ये 40 लिखा था तो इसको ऐसे जोड़ना था, 9 4 13 की 3 1 9, ये 39 है, 9 और 1 10 दोबारा के 2, और ये कितना हो जाएगा, ये 42.36 हुआ। तो जितना हमने जोड़ा था, एक बार फिर से करते हैं, 450 150 500 500 सॉरी 450 150 600 690 690 में हमें जोड़ना कितना है, 690 में जोड़ना है 42.36, तो 690 में बेटा 42 अगर जोड़ते केवल, या 690 में केवल 40 जोड़ते तो बताओ क्या 730 हो जाता, 732 कितना हो जाएगा, ये 732.36। अब ये देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है ही DI, तो आपको करना तो रहेगा ही। अब क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि तो जा रहे सभी व्यय यानी इतना कुल व्यय का लगभग कितने परसेंट था पूछ रहा है ये, 500.4/732.36 और इनटू में क्या करना है बेटा 100। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 बढ़ाइएगा और ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो अब जब कट जाएगा तो देखिएगा 4 से काटेगा, ऊपर वाली संख्या 4 से आसानी से कट जाएगी और नीचे भी 4 से कट रही है, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, फिर 4 एकम 4, ये इतनी बार कट जाएगी 4 से। यहाँ 4 से काटते हैं तो देखिएगा कितनी बार कटता है, ये कटेगा बेटा 4 एकम 4, 3 हो जाएगा, 8 चौको 32, 1 हो जाएगा, 4 तिया 12, नहीं जाएगा, 9 चौको 36, ये हो जाएगा। अब अगर और देखेंगे
तो अब यहां से हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है अपने ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हैं तो ऐसे आइडिया नहीं ले सकते हैं। तो अब देखिएगा ये कट रही है नीचे तो 3 से कट रही है, ऊपर वाली संख्या 3 से कट रही है क्या, 5, 2, 7, 2, 9, और ये किससे कट रही है 8 और 1, 9, 9, 9, 18, ठीक है 3 से कट रही है, काटो बेटा 3 से, तो 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 7 21 ये हो जाएगा बटे में, इतना यहाँ क्या चल रहा है देखिएगा 3 से काटेंगे 6 बार 1, 0 और 3। अब क्या होगा देखिएगा आगे, अब ये किसी से कटेगी, अब नहीं कटेगी, अब तुम्हारा यहाँ मजबूरी हो गया बेटा इसमें भाग देना, क्या हो गई है मजबूरी, तो हम थोड़ा सा अप्रोक्स में निकालना है तो थोड़ा सा इस 3 को हटा के ये 0 मान लें, और जिससे ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, हम केवल 61 का अगर डिवाइड कर दें किसमें 4170 में तो आइडिया मिल जाएगा हमारा। तो 6 से बताओ, 6 से अगर यहाँ देखेंगे तो कितनी बार जाएगा 61, अगर इसमें देखा जाए इसमें तो 6 6 36 6 7 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 ही बार तो जाएगा, तो 6 बार जैसे ही जाएगा वैसे ही पता है कि सब में 7 से शुरुआत है, आंसर कौन सा आना चाहिए, ये तो पूरा सॉल्व नहीं करना था, इतने से आंसर आ गया है हमारा, ठीक है कि नहीं ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, अगला कह रहा है कि निम्नतालिका का अध्ययन करके, यही सेम दिया है डाटा, कह रहे इस अवधि के दौरान, इस अवधि के दौरान कंपनी के प्रतिवर्ष का ब्याज का औसत राशि कितनी चुकानी होगी, फिर से कह रहा है कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, किस अवधि के दौरान की बात कर रहा है बेटा ये, इस अवधि के दौरान, अच्छा इस अवधि के दौरान पूरा ब्याज पूछा, कोई समय नहीं दिया है, कह रहे प्रतिवर्ष ब्याज की औसत, ब्याज कितना है बेटा जरा देखिएगा यहाँ पे, ये पूरा ब्याज दिया है सबका टोटल करेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 से क्या दे देंगे भाग दे देंगे, अब टोटल करने का तरीका देखिएगा जरा ध्यान से, यही टोटल करने का तरीका देखिएगा, 10 और 20 30 30 30 60 60 और 20 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 80 और 30 80 और 30 करेंगे तो 110 110, तो ये हो गया लिख लो 110। अब देखो पीछे की संख्या जोड़ो इधर, तो 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 6 12 12 और 9 12 और 9 कितना हो गया बेटा 12 और 10 22 होता, 12 और 9 कितना हो गया 21, और अब कितना बचा है अब इस इधर जोड़ लो 4 और 4 8 4 12 12 और 6 5 11 12 और 11 23 हो गया कि नहीं हो गया बोलो, 11 दूनी 22 और एक ज़्यादा हो गया 23, तो ये कितना हो जाएगा 2.3, जोड़ लो सबको 3 3 3 1 ये हो जाएगा लगभग, और इसको अगर हम करेंगे डिवाइड बाई 5 करेंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 दो बार जाएगा 5 छक्का 30 फिर दशमलव लग जाएगा फिर ये इधर आ जाएगा ये आंसर हो जाएगा, बोलो हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से जोड़ना भी आसान था, अगर आप पूरा जोड़ेंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा आपको। इधर देखिएगा, इस दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, बोनस कहाँ है बेटा ये वाला, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का, वेतन कहाँ है बेटा देखो ये है, वेतन की कुल राशि का लगभग कितने परसेंट, आप बोनस देखिएगा बेटा जोड़ने का तरीका, इधर जोड़ो 2 और 1 3 3 और 3 और ये 6 6 3 9 9, उसके बाद देखो ये सब दशमलव में जोड़ेंगे, अब देखना 4 और 2 6 और 6 12 8 20 की सुन 2 5 और 8 15 हो देखो 8 और 5 13 और 2 हासिल वाला 15 15 और 6 21 और 9 30 30 का, यानी 30 का मतलब ये ऐसे करके आ जाएगा, अब जोड़ो बेटा टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा कि नहीं, एक बार फिर से जोड़ के देख लो अगर दिक्कत लग रही है तो, देखो 2 और 4 6 और 6 12 8 20 की सुन हासिल लगा 2, इधर जोड़ो 8 और 2 10 10 और 9 19 19 और 6 25 और 5 30 की सुन हासिल लगा कितना 3, और 2 3 2 2 4 2 6 6 और 2 8 8 और 4 12 कितना हो रहा है 12 ही हो रहा है, ठीक है। अब वेतन जोड़ो बेटा सबके, अब वेतन कैसे जोड़ने हैं देखिएगा ध्यान से, 300 300 600 6 और 5 6 और 5 11 11 और 3 11 और 3 14 14 और 4 18 18 तो ये हो गया, प्लस ऐसे जोड़ा करो जल्दी जुड़ जाएगा 40 और 20 60 60 और 40 100 100 50 150, और भी है इधर इकाई के अंक में कितना है 4 है, जोड़ लो बेटा कितना हो जाएगा 5491 ये हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि लगभग कितने परसेंट के बराबर है, तो हमें 12 में डिवाइड करना है कितने का, इनटू क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब ऑप्शन हमें यहाँ पता लग जाएगा कि कैसे आ रहा है, देखिएगा कैसे, पहले तो सबसे पहले देखो 2 से कट रहा है तो 2 से काटो, 2 से कितनी बार कटेगा ये 6 बार, ये 2 से कितनी बार 2 9 18 2 7 14 और 2 7 14 ये हो जाएगा कि नहीं,
अब अगर हम देखेंगे तो 977 का भाग देना हमें 600 में, यही तो देना है कि नहीं? अभी हमें पता है नहीं जाएगा तो हमें दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी। और 9 का भाग अगर आप इसमें देंगे 60 में, ईस्वी में तो देते हैं, तो अगर 9 का भाग अगर हम 60 में देंगे तो कितनी बार जाएंगे? 9 × 6 = 54। तो अगर 6 बार जाएंगे तो देखिए 6 × 7 = 42 की 2, 6 × 7 = 42 और 4 = 46, 4 हो जाएगा आंसर। इधर कितना हो जाएगा, 6 × 9 = 54 और 4 = 60। तो लगभग लगभग 0.6 के आसपास आ रहा है कि नहीं? तो 0.6 ही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके नज़दीक कोई और ऑप्शन था नहीं, तो यही वाला आपका आंसर था। देखिएगा भैया आगे नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, करें 2013 के दौरान इस मद पर, 2013 के दौरान इस मद पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? 2013 सन की बात की गई है, तो 2013 ही आपको फोकस में आना चाहिए। बस कह रहा है 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, तो 2013 का बेटा ऐसे ऐसे जोड़ना है, बस आंसर आ जाएगा। अब ऐसे कैसे जोड़ेंगे जरा देखिएगा, 5 और 1 = 600, 5 और 1 = 600, 600 और ये 75 हो गया, 75 और 30 कितना हो जाएगा, 700 समथिंग हो जाएगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, 600 के ऊपर एक ही ऑप्शन है, जोड़ना ही नहीं था। देखो कितना सरल है, 500 और 1 = 600, ये लगभग देखेंगे तो 629 हो रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 600 के 29 है, 629 से ऊपर है, यानी 600 से बड़ा है, तो यही आंसर हो गया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में थोड़ा टेग्रम भी लगाया करो, डायरेक्ट एकदम उसी के चक्कर में बने रहोगे तो फंस जाओगे। जैसे सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, करों पर यानी टैक्सेशन पर कुल व्यय यानी ये वाला, ठीक है, इनको अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा जोड़ के बताइएगा फिर से एक बार। तो 8 और 8 = 16, 16 + 10 = 26 की 6, यहाँ से लगा 2, इधर जोड़िएगा 8 और 2 = 10, 10 और 8 = 18, 18 और 8 = 26, 26 और 7 = 24, 30 और 3 = 23, यहाँ से लगा 2, 2 और 1 = 3, कितना हो जाएगा, 336, लिख लो अलग से 336। और क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कुल व्यय और ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, ईंधन और परिवहन इसका बेटा टोटल, कुल व्यय के बीच का अनुपात। अब इनका देखो 100, 200, 300, 400, 500 तो ये अलग हो गए 500, अब जोड़ो इधर 12, 5, 17 ऐसे नहीं जोड़ो, 1 और इधर जोड़ो 3 और 1 = 4 और 5 = 9, 90 ये हो गया, ऐसे जोड़ो देखो 5, 5, 10 और 4, 14 ये हो गया, जोड़ लो कितना हो जाएगा, 4, 9, 1, 10 की 0 से लगा 1, 604, कितना आ जाएगा 604। अब अगर देख रहे हैं तो 4 से कट रही है संख्या, तो पहले 4 से काटो, 4 से काटो 15 × 60 = 151 हो जाएगा, इधर काटो 4 से, 4 × 36 ज़्यादा हो गया, 8 × 32 और 4 × 16 कितना हो जाएगा, ये देखो कितना हो रहा है, ये 151, तो इधर शायद हम जोड़ने में कुछ गड़बड़ किए हैं, 151 तो आ रहा है, ये 109 आना चाहिए 151 वाले के साथ में, यहाँ गड़बड़ किए हैं, एक बार जोड़ के देखिएगा, एक बार जोड़िएगा, देखो 80 ऐसे जोड़ो, देखो जैसे जोड़ते हैं वैसे देखिएगा, यहाँ जोड़ने में कुछ गड़बड़ हो गई है, देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पे बेटा गलत हुआ है, एक बार फिर से जोड़ते हैं देखिएगा ध्यान से, ये 100 अलग कर लो पहले, चलो 100, अब देखो 8 और 1 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 7 = 23, 23 + 8 = 31, ठीक है, इसके आगे देखो बेटा, इसके आगे देखो कितना हो जाएगा, 31 ऐसे नहीं लिखना था, ठीक है आगे देखो, चलो बता देंगे फिर, और आगे देखो कितना हो जाएगा, ये 5 और 5 = 10, 10 और ये 16 हो जाएगा, जोड़ो बेटा 6, इसको थोड़ा सही से लिख ले वरना तुम कंफ्यूज रहोगे, 100, 31, अब ऐसे जोड़ो 6, 2 और ये कितना हो जाएगा 4, ये होगा, फिर से गलत जोड़े हो, लिख ही लेते हैं, देखो बेटा देखना ध्यान से, यहाँ 85, 110, 75, 78 और 88 ये है, जोड़ो बेटा 8 और 8 = 16, 16 + 10 = 26 की 6, यहाँ से लगा 2, 8 और 2 = 10, 10 + 7 = 17, 17 + 4 = 24, 24 + 1 = 25, 25 + 8 = 33, 3 लगता है, हाँ ये गड़बड़ हुआ था, ये कितना हो जाए 436 होगा, जहाँ हमने 336 लिखा था बेटा जोड़ने में गड़बड़ हुआ है, 436 होगा, अब कर दो 436, 4 से काटो 4 = 4 =
नो, बिल्कुल सही है, ये वाला ही आंसर सही था, है ना। यहाँ जोड़ने में हम गड़बड़ कर रहे थे, यही गलतियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी एग्जाम में, क्योंकि डिजिट बड़ी अच्छी दी गई है। देखिएगा इस वाले में बच्चों को बहुत दिक्कत हुई, जबकि ये डीआई थोड़ी सरल थी। इस वाले में दिक्कत तो बहुत हुई है, लेकिन बच्चों को डीआई सरल थी। देखिएगा कैसे, अगर हम बात करें इस डीआई की, तो इस डीआई को ध्यान से देखिएगा। ये दिया है कारों का माइलेज, माइलेज का मतलब एक कार है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के इस सॉरी 25 किलोमीटर एक लीटर में जाती है, ये ना, ये जो हम लोग कहते नहीं है कि अपनी गाड़ी एवरेज क्या दे रही है, वही वाला है। एक दिन में औसतन 10 लीटर खर्चा होता है और 50 घंटे 10 दिनों में चलती है। अब पढ़िएगा क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी के द्वारा, कार कौन सी बेटा, मिनी, ये वाली कार, कार मिनी के द्वारा औसत गति, पहले औसत गति निकालो, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी, और दूरी कैसे निकलेगा बेटा, देखिएगा ध्यान से, औसत गति ये बताओ 20 किलोमीटर प्रति लीटर से 25 लीटर चलती है कितने दिनों में, 10, तो बताओ क्या अगर 10 दिन, एक दिन में 25 लीटर खर्च करती है तो 10 दिन में 250 लीटर खर्च करती होगी, और 250 लीटर खर्चा बेटा बताओ अगर 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से करेगा तो हो जाएगा 250 गुणे 250, तो ये हो गया इंटू कितने का बेटा 20, ये हो गई कुल दूरी, ये कुल हो गई, इतने 250 लीटर पेट्रोल लगाया और 20 लीटर पर लीटर के हिसाब से चलती है, तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा 250 गुणे 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। ठीक है, इसके आगे देखो दूरी कितनी आ गई 250 गुणे 20, और बेटा लिया समय कितना है, समय लिया है 80 घंटे, तो डिवाइड बाई क्या कर दो, यहाँ से 80 कर दो बस, 20 चौको ये क्या हो जाएगा 4 बार कट जाएगा कि नहीं, 20 चौको 80, और अगर काटेंगे तो 4 से काटो, ये कितनी बार कटेगा बताओ, 4 6 24, 24 10 हो जाएगा, तो 4 2 8 62.5 किलोमीटर पर हावर, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। ये क्या आ गई, एक किसकी आ गई, मिनी की, मिनी की कितनी आ गई बेटा 62.5। इसके आगे क्या कह रहा है पढ़ो, कह रहा है कि ये 87 किलोमीटर यात्रा करने में लिया गया समय, चलो बहुत बढ़िया है, 10 दिनों के दौरान कार शिफ्ट द्वारा, शिफ्ट देखिए बेटा कहाँ है, शिफ्ट, शिफ्ट की एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे, स्पीड निकाल लें, ध्यान रखिएगा एवरेज स्पीड निकालेंगे तो ये 22 किलोमीटर जाती है एक लीटर में, एक दिन में 10 लीटर खर्च करता है तो 10 दिन में इतना खर्चा करता होगा, और ये कितने घंटे चली है, ये चली है बेटा 55, तो 11 दूनी 22, 11 5 55, 5 से ये काटेंगे 2 बार, तो जो शिफ्ट की चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बताओ, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 × 10 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर बराबर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, दोनों के हमें क्या एवरेज स्पीड मिल गई, एक की मिल गई हमें एवरेज स्पीड कितनी बेटा बताओ जल्दी से, मिनी, इस मिनी की एवरेज स्पीड में जो मिली है 62.5, और स्विफ्ट की कितनी मिल गई बेटा, स्विफ्ट की मिल गई मुझे 40। अब इसने क्या पूछा है हमसे, इन्होंने ये दूरी में लिया गया समय, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बताओ बेटा, दूरी बटे चाल। अगर हम देखेंगे तो ये जो मिनी चलती है वो चलती है 875, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम यहाँ साफ कर देंगे, थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी तो हम यही साफ करे दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये तो ये समझ में आ गया होगा, ये हमने लिख लिया है, अब देखिएगा ध्यान से, अब बेटा देखना मिनी चलती है 875 किस स्पीड से, 62.5 से, ठीक है, और रेशियो ये चलता है कितना बेटा 990, और किस स्पीड से चलता है बेटा ये 40 के स्पीड से, बस इतना ही आपको सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा एक सेकेंड में, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसे 0 से 0 काट दो, यहाँ से ये हटाओ, ये 0 बढ़ाओ, और 25 से काटो, तो ये 25 बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इधर 25 से काटो तो ये कितनी बार कटेगा, देखिएगा जरा ध्यान से, तो इसको काटेंगे तो 25 दिया तो 75 हो जाएगा 75, और 25 × 5 = 125, 350 बार कट जाएगा, अब फिर 25 से काट दो, काटो बेटा 25 से, तो 25 एकम 25, इधर काटेंगे 25 एकम 25, और 25 चौको 100, 14 चौको 56, 56:99, ये वाला आंसर एकदम से सही है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का क्या अनुपात था, 10 दिनों के दौरान अल्टो, अल्टो बेटो देखो कहाँ लिखा है, पहले नंबर पे अल्टो जो है, देखिएगा एक बार, अल्टो जो है वो 25 किलोमीटर पर लीटर चलती है, यानी अल्टो का अगर लिखेंगे तो ये चलती है 25 किलोमीटर पर लीटर, एक दिन में 10 लीटर खाती है, 10 दिन में इतना ही तो खाएगी,
एक दिन में 10 लीटर खाती है तो 10 दिन में कितना खाएगी, इतना, और ये दूरी चलेगा। और पूछा क्या है, गति, तो इनके द्वारा लिया गया समय ए, मतलब 10 दिनों में कितने घंटे चलती है, 50 घंटे अल्टो। और टियागो की अगर देखेंगे बेटा, टियागो, तो टियागो, टाटा टियागो कहती है कि 30 किलोमीटर पर लीटर खाते हैं, 30 लीटर पर किलोमीटर खाते हैं, एक दिन में 12 लीटर, तो 10 दिन में इतना ही तो खाएगा, 120 लीटर। और इसको चलने में टोटल लगा समय कितना है टियागो का, तो टियागो का समय भी कितना है बेटा, 50, है ना। तो ये 50 से 50 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये 10 से क्या हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको सॉल्व कर लो, 5 से काटो, 5 से 55 25, और ये 5 से काट दो, 5 छक्का 30। अब बताओ, 3 2 से काटो, 2 3 6, और 2 से काट दो कितनी बार, 5, तो 5 × 5 = 25, और 12 3 = 36, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। जितनी बड़ी लैंग्वेज लिखी होगी उतना ही सरल क्वेश्चन होगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे, अल्टो और क्यूट द्वारा 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, कौन कौन, बेटा देखिएगा ध्यान से, अल्टो और क्विड एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे समान गति से, कह रहे हैं कि समान गति से एक दूसरे की ओर मिलने के बाद, वे एक जगह कहीं मिले होंगे, यहाँ कहीं मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं, यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 हो, 2300 किलोमीटर हो, तो अल्टो और क्विड एक दूसरे के मिलने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचने में लगा समय कितना होगा। जरा देखिए, समय का अंतर पूछा है, समय भी नहीं पूछा है, तुम बताओ। अल्टो का अभी हमने लोगों ने एवरेज निकाला था, या एवरेज स्पीड निकाली थी, तो आपको याद होगी हमने किया था 25 × 10 × 10 कर देंगे, यहाँ तो बताओ 100 हो जाएगा कि नहीं, तो 100 और बटे में कितना कर दिया था, 50। तो अगर हम देखेंगे तो इसकी क्या 50 आ गई थी, बोलो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्विड की अगर देखेंगे, क्विड, तो 25 × 20 × 10 कर देंगे यहाँ पे, बोलिए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा इसकी क्विड की क्या हो जाएगी, इसकी भी अगर देखेंगे तो ये हो जाएगी 25 × 200 / 100। तो बताओ क्या इनकी कितनी हो गई, ये भी 50 हो गई कि नहीं हो गई। अगर बताओ दोनों की चालें बराबर हैं तो ठीक बीच में मिले होंगे, और ये इधर से 50 से चला होगा, ठीक ये 50 से चला होगा, तो तुम बताओ क्या इनके बीच में कोई अंतर रहा होगा। जब एक समान चाल से चल रहे हो, दोनों की चालें बराबर हैं, दो बीच की दूरियां हैं, तो बराबर से मिलोगे आके, मिलने के बाद तुम इधर उसी चाल से चले जाओ, तुम इधर ही चले जाओ, तो अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में भी तो कोई अंतर नहीं रहेगा, तो इनके बीच का अंतर क्या होगा, 0 घंटे होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखते हैं, अगला कह रहा है ये बढ़िया क्वेश्चन है इनके, देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है इसके, ठीक है। अगला कह रहा है कि यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई दूरी, कार ए और बी के द्वारा, सभी की पूछ रहा है, और कह रहा है कि कार ए और बी क्रमशः 150 और 300 घंटे में तय करते हैं, तो ए और बी की गति बताओ। अब बताओ ध्यान से, सभी कार द्वारा 10 दिनों में तय की गई दूरी, तो बेटा इसमें 10 का गुणा कर देंगे, तो जो बेटा दूरी आ जाएगी 100 × ये हो जाएगी कितनी, 2500। इनकी बताओ 10 का गुणा कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, 2200। इनमें बताओ 10 का गुणा कर देंगे तो ये 12 × 3 = 36, ये 12 × 3 = 36, ये 3600 हो जाएगी इसकी। इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 50, ये हो जाएगी कितनी बेटा, 25 × 50, एक बिंदी और ये, ठीक है। और इधर देखो, इसमें 10 का गुणा कर देंगे, इसमें 10 का अगर हम गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 25 × 50 यानी 500 × 10, ये भी कितनी हो जाएगी, 5000। तो टोटल दूरी जो आ जाएगी, टोटल दूरी जोड़ के बताइए, 5 × 5 = 10 × 13 × 13 = 15 × 15 = 17 17000 + 600 + 500 = 6511 + 2 = 13, तो 17 × 1 = 18000। देखो 6 × 5 = 11 = 18300, टोटल कितनी आ जाएगी जोड़ के देख लीजिएगा, 18300 हो रही होगी, 0 6 2 8 5 13 3 1, इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 18300। कह रहे हैं कि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी जो आई है 18300, कार ए जो है वो 15 घंटे में, और कार बी जो है वो 150 घंटे में, और कार बी जो है वो 300 घंटे में तय करती है, तो ए और बी की अंतर। अब बताओ, ए के द्वारा औसत चाल हो जाएगी डिवाइड बाई 150, और इसके द्वारा औसत चाल हो जाएगी डिवाइड बाई 300। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, इसका अगर 3 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, जरा देखिए, 3 6 18 3 = 6,
इसकी हो जाएगी 61 किलोमीटर पर हावर। ये जीरो से जीरो कट जाएगी, अगर 15 से काटेंगे तो देखिएगा 15 एकम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 122 में से 61 को घटाना था, तो आंसर भी 61 ही रहेगा और आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अगला ये देखिएगा इसकी डीआई का ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात, 10 दिनों में टियागो अभी निकाले थे, पीछे पीछे वाले क्वेश्चन देखो, टियागो की दूरी निकली थी कितनी, 3600, कितनी निकली थी 3600, और मिनी की कितनी निकली थी देखिएगा जरा ध्यान से, पीछे वाले क्वेश्चन में देखिएगा मिनी की कितनी निकली थी, तो मिनी की बेटा निकली थी कितनी 5000, मिनी की कितनी निकली थी 5000, बस इनका 5000, इनका रेशियो पूछा है तो 18 से 2 से काटेंगे 18 बार और 2 से काटेंगे कितनी बार 25 बार, तो मतलब ऑप्शन क्या ये नहीं हो जाएगा। बोलो समझ में आई डीआई की नहीं आई, ये वाली पूरी डीआई समझ में आई ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो ये बढ़िया है, ये वाली डीआई जो थी इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ से आई कि उनको ये क्लियर नहीं हो रहा था कि कंपनी में संख्या में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कौन सी है और कंपनी छोड़ने वाले लोगों की संख्या कौन सी है। तो हमने बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा, इधर थोड़ी सी मोटी लाइन दिखाई गई थी, वो यानी नीचे वाली लाइन अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़ी सी मोटी है और ये वाली लाइन थोड़ी सी पतली चली है, तो ऊपर शामिल होने वाले हैं, नीचे कौन से हैं बेटा, छोड़ने वाले हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा एक बार, शामिल होने वालों की बात करें तो ये वाले हैं शामिल होने वाले, ये देखिए ये यहाँ पे शामिल हुए हैं, ठीक है, यहाँ तो बहुत क्लोज है तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये लाइन ऊपर गई है तो ये हो गई शामिल होने वाले, फिर आ जाओ बेटा शामिल होने वाले, फिर आ जाओ बेटा शामिल होने वाले, यही रहेगी, ठीक है। और छोड़ने वालों की अगर बात करेंगे तो छोड़ने वालों की जरा देखिएगा ध्यान से, अब बचे हुए जो हैं ये छोड़ने वाले हैं, ये छोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा डीआई अच्छी आई थी इसकी तो देखे रहिएगा। कह रहे हैं 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या थी, तो 2000 शुरुआत में कितने थे बेटा, 5000 थे, 5000 लोग थे। इस 5000 के बाद तुम बताओ दो कब थे, 2001 में बताओ 500 आए, 450 आए और 600 आए, 6 और 4 10 और 5 15, 1550 लोग आए हैं, 1550 लोग आए हैं और गए कितने हैं जोड़ो, 6 और 4 10 और ये 1550 ही चले गए हैं, 1550 ही चले गए हैं, तो बताओ क्या बेटा जो 2003 में यहाँ पे भी बताओ क्या 5000 लोग ही थे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत सरल सी डीआई थी, ये ज़्यादा कठिन नहीं थी, देखिएगा इसको। कह रहे 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी निकली थी 2003 में, अभी निकाले थे पीछे कितनी 5000। कह रहा है कि करने वाले संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत था। अब देखो 2006 का निकालना है, देखिएगा यहाँ तक शामिल होने वाले 5000 के आगे देखना बेटा, 700 आए 550 आए और 700 आए, 7 और 7 14 14 और 5 19, 1950 आए हैं। तो गए कितने लोग हैं बेटा जोड़ो, गए हैं 500 600 और 650, 6 6 12 5 17 1750 चले गए हैं, 1750 चले गए हैं। फिर से देख लो एक बार कैसे, 5 6 5 11 11 6 17 1750 चले गए हैं, तो बताओ क्या 200 लोग रहे हैं कि नहीं रहे हैं। 200 लोग अगर रहे हैं तो ये टोटल हो गए कितने बेटा 5200। अब इनका परसेंटेज निकालना है 5000 पे, तो लिखेंगे बेटा 5000 बटे 5200 और गुणे 100, बस इतना सा सॉल्व करना था, पूरा कभी सॉल्व नहीं किया जाता, हम हर बार बता चुके हैं, क्लास में भी बताते हैं, 25 बाई 26। अब आपको क्या करना है, 26 का भाग देना है, और 26 का भी क्यों दे रहे, 2 से काटो ये कितनी बार 13, ये कितनी बार कट जाएगा 50 बार, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, ये क्या होगा, ये होगा कि आपको 13 का डिवाइड करना है किस में, 25 पंचे 125 यानी 1250 में। तो बताओ 13 की तो टेबल आती होगी सबको, 13 धाम मन कितना होता है 130, तो 9 बार जाएगा 13 निम्मा 117 देखो यहाँ पे 117 कर देंगे तो 17 और 3 20 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 13 5 65 13 6 78 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 5 65 और 13 6
13 91 ज़्यादा हो रहा है, तो 6 बार जा रहा है, 13 6 78 96 कौन सा ऑप्शन, ये वाला खत्म। नेक्स्ट, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी को छोड़कर जाने वाले अधिकतम संख्या का अनुपात, शामिल होने वाले मिनिमम, शामिल होने वाले बेटा मिनिमम देखो कौन से हैं, 450 शामिल होने वाले सबसे मिनिमम है बेटा 450, और छोड़ के जाने वाले मैक्सिमम कौन से हैं, ये 650, इनका रेशियो पूछा था, तो बताओ 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 13 बार। नेक्स्ट, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों संख्या की प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकता, हमने ये बेटा आपको क्लास में भी कराया था याद करो, मैंने कहा था जहां ग्राफ एकदम से उठ जाए, देखो ये एकदम से उठ गया, उसके बाद देखो ये सेम रहा 600 600, ये मतलब सॉरी ये थोड़ा सा कम हो गया, 50 कम हुआ, फिर भी ये 50 कम हुआ, फिर ये 100 ही बढ़ा है, फिर ये 50 बढ़ा है, तो तुम बताओ यहाँ सबसे बड़ा अंतर है 200 का, तो सबसे ज़्यादा चेंजमेंट कब होगा, 2000। तो नेक्स्ट, अगला देखिएगा, ये वाली डीआई का लास्ट क्वेश्चन है इसका, शायद देख लीजिएगा, अच्छी डीआई है बेटा, कह रहा है कि 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि है। अब 2003 का तुम निकाल चुके हो कितना था बेटा, 5000 पीछे निकाल चुके हो, देखो फायदा कर रहा है निकालने का। 2002 का देखेंगे तो यहाँ देखो ध्यान से, 2002 आए कितने लोग हैं, 500 450 950 लोग आए हैं, गए कितने लोग हैं, 1000, तो 50 लोग ज़्यादा चले गए, और थे कितने, 5000, तो 5000 में से 50 चले जाएंगे तो 49 50 हो गए कि नहीं हो गए, और अगले साल कितने हो गए, अगले साल 5000 हो गए, तो तुम बताओ यहाँ से कितने लोग बढ़ गए हैं, तो बढ़े हैं जो 50 बढ़े हैं, किस पर, 49 50 पे, और इंटू क्या कर देंगे बच्चों, 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, देखो 9 5 45 और 9 5 45, यानी 99 का भाग अगर हम 100 में देंगे तो तुम खुद बता दो क्या 1% के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या 1% के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट, ये लास्ट डीआई थी, ये सरल है, इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, देखिएगा क्या कह रहा है, 2011 की तुलना में 2018 में, तो 2011 में कितना है 40, और 2018 में कितना है बच्चों, 18 का जोड़ो तो 18 में कितना है 95, तो बताओ यहाँ से अंतर कितने का आया है, तो अंतर है 55 का, और किस पर, बढ़ता हमेशा कम पर है, तो बट्टे में क्या आएगा 40, और गुणे में क्या आएगा बेटा 100, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो अब अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ऐसे कर दो, ये कितनी बार कट जाएगा 11 बार, और ये कितनी बार गए 8 बार, तो 8 का आपका भाग देना है किसमें, 1100 में, तो 8 का भाग करेंगे तो 8 1 8 कितना बचेगा यहाँ पे 3, ये 0 आ जाएगा, 8 3 24 कितना बचेगा बेटा 6, ये भी 0 आ जाएगा, 8 7 56, तो देखो 137 समथिंग है, एक ही ऑप्शन में है, बस आगे बढ़ जाना था, पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिकतम है, फिर वही बात आ गई, देखिएगा किन किन वर्षों का देखना है, देखो 2013 की बात कर रहा है, तो हमने तुम्हें बताया था अभी यहाँ अगर 40 था तो यहाँ 50, यहाँ कितना था 55 था, और यहाँ कितना था बेटा, अभी हमने बताया 80 से 5 कम होगा तो कितना होगा 75, तो यहाँ कितना बढ़ा है ये देख लो, है ना, 13 की बात कर रहा है, 12 की बात कर रहा है, तो यहाँ कितना बढ़ा है ये देख लो, 12 की बात कर रहा है, जो जो सालों की बात कर रहा है उन्हीं को देखो, 2015 का देखेंगे तो 14 से 15 में कितना बढ़ा है, तो 14 में कितना था 60, यहाँ कितना हो गया 80, यहाँ से ये कितना बढ़ गया, और 17 की बात कर रहा है तो 17 में कितना था बेटा यहाँ पे, ये था 5 बढ़ा था 60 से, ये कितना था 65, और ये कितना हो गया 90, यहाँ का डिफरेंस चेक कर लो, और इनमें से निकालना है कि सबसे बड़ा कौन है, तो देखिएगा 55 बटे 40 बढ़ा है कब, ये 2012 में, ठीक है, यानी 40 से 55 हो गया है, तो अगर देखा जाए तो बढ़ा कितना, अच्छा ये पूछा कि अधिकतम प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो अगर हम देखेंगे तो 55 की जगह ऐसे देख लें कि यहाँ से ये बढ़ा कितना है, 15 ही तो बढ़ा है, किस पर 40 पे पहला, ठीक है, दूसरा क्या हुआ है देखो 55 से 75 हुआ है, तो 55 से 75 हुआ है तो बेटा बताओ 20 बढ़ा है किस पर 55 पर, ये दूसरा हो गया, ठीक है, और तीसरा क्या हुआ है बेटा बताओ 60 से 80 हुआ है, तो 20 बढ़ा है किस पर 60 पे, ठीक है, ये तीसरा हो गया, और चौथा देखो बच्चों, चौथा कितना बढ़ा है बेटा 65 से कितना हो गया 90, तो 65 5 70 यानी 25 बढ़ा है किस पर 65 पे। अब देखना बहुत ध्यान से,
हमने आपको बताया है कि जब भी ऐसे लिख लिया करो तो इनमें से ये देख लो कि कौन सी बड़ी छोटी भिन्न है, तो सबको 5 से काट दो, 3/8, ये 5 से काटेंगे तो 4/4 बोलो कितना हो जाएगा 11, इसको 5 से काटेंगे तो 4/15, और इसको 5 से काटेंगे तो 5/13। अब बड़ी छोटी भिन्न निकालना भी बताए हैं कैसे, 3/8 बड़ा है, ये 4/11 अगर इसको चेक करना है तो ये 11 का गुणा करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, 8 चौको 32, तो बताओ ये छोटी हो गई, इन 3/8 अभी बड़ा है, तो 3/8 का अगला कंपेयर किससे होगा, अगला कंपेयर होगा बेटा किसके, 4/15 से, तो 15 * 3 = 45 और 4 * 8 = 32, ये भी छोटा है इससे। 3/8 का अगला कंपेयर किससे होगा बेटा, 5/13 से, तो 5/13 से करेंगे तो 13 * 3 = 39 और 8 * 5 = 40। अब बताओ इनमें से ये बड़ी हो गई, तो सबसे बड़ा चेंजमेंट कब आया है, जब 65 पे बड़ा है, यानी 65 से बढ़ के कब हुआ है, 90 हुआ है, यानी सबसे बड़ा चेंजमेंट किस साल में है, 2017 में। नेक्स्ट देखिएगा, अगला कह रहा है दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अधिक था या कम था, देखो 40 पहले साल में था, दूसरी साल का अगर हम जोड़ेंगे जाके तो कितना था, 55 था, तीसरी साल का बोलो बेटा 75 था, नेक्स्ट ईयर का देखो 60, फिर बोलो बेटा कितना, 60 के बाद बोलो कितना, 80, और 80 के बाद बोलो ये 5 बड़ा है 65, और बोलो बेटा 65 के बाद 90 और 95। अब इधर देखो बेटा 5 5 10 10 20, दो हासिल में 9 9 18 2 20, 20 8 28 28 और 12 28 और 2 30 10 40, 40 और ये हो जाएगा 7 5 12 4 16, 16 का मतलब 40 और 16 56। अब बताओ कितनी साल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 560 में भाग कर दो 8 का, 8 7 56। अब तुम देख लो 70 से ऊपर वाली संख्याएं कितनी हैं, तो 1 2 3 4, कितनी संख्या है 4, तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट देखिएगा, अगला कह रहा है कि 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने परसेंट की गिरावट आई, कब, 13 से 14, तो 13 बताओ बेटा कितना था, 75, 14 कितना हो गया 60, तो तुम बताओ 75 से 60 हो गया कितना कम हुआ है, 75 60 क्या 15 कम हुआ है, कम हमेशा किस पर होता है, ज़्यादा पर, 75 × 100, 15 × 75, 20% आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन 20% हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला कह रहा है कि दंड आरे के खेले में देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2015 और 16 का औसत उत्पादन कौन कौन का देखिएगा, 15 और 16, तो बेटा देखो 15 में कितना था, 15 का अगर यहाँ से देखेंगे जाके तो 15 का हो गया 80, और 16 का कितना हो गया, 16 का हो गया ये 5 ज़्यादा था केवल, तो 65 80 और 65 145, 80 और 65 कितना हो जाएगा, 145। अब क्या कह रहे हैं, किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन से बिल्कुल बराबर था, अब बताओ 2 का भाग 145 में भी देना है, तो जिसका योग इसके बराबर हो जाएगा, अब दोनों बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो अब देखो ऑप्शन 2014 2015, 14 का देखो कितना है, 14 का 60 है, और 15 का कितना है, 15 का ये 140 हो रहा है, ये होगा नहीं। अगला देखो बेटा 14 और 16, 14 का कितना है 60, 16 का कितना है 65, ये 120 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा 16 और 17, 16 का कितना हो रहा है 65, और 17 का देखेंगे तो जाके ये कितना होगा 90, ये भी नहीं हो रहा है बच्चों अगर देखेंगे तो, है ना, ये नहीं हो रहा है। आगे देखो नेक्स्ट 12 और 17, अब देखो ये 12 का कितना हो रहा है, 12 का हो रहा है 55, और 17 का कितना हो रहा है 90, तो 90 + 55 145 ही तो होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 12 और 17, ये वाला सही है। नेक्स्ट अब ये देखो, ये बेटा DI थी, DI के बाद ये 5 छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इनमें से देख के ही बच्चों ने बता दिया होगा कि इनका आंसर कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि ऊपर दशमलव 2 अंक है, नीचे कितना, 1 ज़्यादा है, तो ऊपर हमेशा बताओ ए मतलब 10 स्क्वायर हमें ज़्यादा रहेगा, 10 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नवा समझ में आई हो तो ऐसे कर लो, देखो 0.5 ऐसे लिखा है, इसको यहाँ दशमलव हटाने के लिए हम यहाँ 100 लिखेंगे, और बटे में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो 25/10,000 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से सब बताओ, सब आते चले जाएंगे तो ऊपर जुड़ जाएगा, और जैसे इधर 41 है, 41/100 कर देंगे तो इधर भी 41 का वर्ग आ जाएगा,
और बचे बटे में कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ये तो इधर चल गया। और अगर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो बताओ, इसको लिखेंगे 005 और यहाँ से हटाएंगे तो बेटा ये बताओ 1,000 आ जाएगा। अब अगर इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 25, बट 1,000 का वर्क कितना होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख। अब बताओ अगर इसका भाग इसमें देंगे तो तुम खुद बताओ ये ऊपर चली जाएगी संख्या, तो ये चार बिंदी है, यहाँ से चार कम हो जाएगी, बचेगा कितना, 100 ही बचेगा। ठीक है, ये तो देखते ही समझ में आ रहा था, एकदम घटिया सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, ये बढ़िया, देखो ये हमने क्लास में कई बार कराया है। 40% बेटा एक्स अखबार पढ़ते हैं, तो एक्स पढ़ते हैं कितना, 40%, 40 ही लोग मान लो, ठीक है। और बाई पढ़ते हैं कितना, देखो जरा, बाई पढ़ते हैं 50%, तो 50% लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, बाई 50%। और बोथ कितने लोग पढ़ते हैं, दोनों लोग पढ़ते हैं कितना, 10%, बस यही सवाल सॉल्व हो जाएगा। 10% अगर बीच में आ जाएगा तो बताओ 40 यानी 30 बचा इसमें हुआ और 40 हुआ बचा हुआ इसमें आया, तो टोटल पढ़ने वालों की संख्या आ गई जो कि कितनी है, 40 और 10 50 और 30 80। 80% लोग कोई ना कोई पेपर पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार नहीं पढ़ता है, तो 20% लोग नहीं पढ़ते। नेक्स्ट देखो, पांच संख्याओं का औसत कितना है बेटा, ये बताओ कितनी बार कराए हैं, पांच संख्याओं का औसत 46 है, पहले चार का कितना था 45, तो तुम बताओ चार में से एक, एक की कमी, यहाँ भी कितने की, एक की कमी, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, आंसर तो माइनस का 45 और माइनस का 5, यानी जो कमी हुई है वो 50 की, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट ये देखिएगा, इसको कितनी बार क्लास में कराए हैं अगर याद हो तो बताना जरा, 29.8116, इसका तुम्हें रूट लेना था, तुमने बताया था 6 देखते ही तुम्हें समझ जाओ कि इकाई के अंक पे क्या क्या हो सकता है। या तो अब इकाई के अंक कैसे डिसाइड करता है, एक का वर्ग एक होता है, तो 9 का भी तो वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक एक रहता है, चार का वर्ग करेंगे या तो चार होगा, चार का वर्ग करेंगे तो 16 6 आएगा, या 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा। इसके बाद इतने को ब्लॉक करवाते थे, अगर जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके याद होगा पूरा तरीके से। अब 2981 देखेंगे किसके वर्ग के आसपास है, तो तुम बताओ 50 का कितना होता है, 2500, तो तुम सीधे बताओ 54 का कितना होगा, लगभग चार गुना हो जाएगा कि नहीं, चार बढ़ना चाहिए, तो हमने बताया था चार का वर्ग लिखते हैं 16 और 25 में चार जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2916, कितना हो जाएगा 2916, और ये कितना है 2981, तो यानी 55 का तो इससे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर भी आएगा कितना 54, यहाँ भी कितना आएगा 54। अब ये डिसाइड करेंगे कि ये 546 है या 544 है, कौन सा आंसर सही है, तो कैसे करते थे, 54 × 55, और हमने तुम्हें बताया है कि अगर दो संख्याओं का लगातार गुणा हो तो छोटी वाले का क्या करते हैं बेटा, वर्ग करते हैं और उसमें उतना ही जोड़ देते हैं जो छोटी वाली संख्या होती है, तो 6 और 4 10, 5 और 6 1 7, 7 के बाद देखो ये कितना हो जाए 2970। अब बताओ 2970 से ये वाली संख्या कैसी है, बड़ी है, तो हमारा आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब यहाँ चार अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ एक दो अंक के बाद आ जाएगा, यानी इस संख्या की जो वैल्यू आई है वो आई है 5.46, समझ में आ गई। अब इसका देख लीजिएगा फिर से, देखो 0.7744, वो बाद में देखेंगे कि कहाँ दशमलव लगा है, ये डिसाइड करेगा कि ये दो का वर्ग है या चार कब कब आता है, 8 × 8 = 64 भी तो होता है, तो 8 पे आ सकता है। अब 77 देखो, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 9 का कितना होता है 81, तो 8 से तो ये बड़ा आ रहा है और 9 से कैसा हो रहा है छोटा, तो या तो 82 का होना चाहिए 88 का होना चाहिए। अब 8 × 9 करेंगे तो 9 × 72 हो जाएगा, 72 बताओ बच्चों इस दी गई संख्या से कैसा है, 72 से ये वाली संख्या बड़ी है, तो आंसर हमारा क्या होगा, बड़ा वाला होगा, यानी आंसर यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमें क्या करना रहेगा 8.8, इसमें क्या करना रहेगा 8.8 जोड़ना रहेगा, तो जोड़ो बेटा कितना होगा 6, 8 × 4 = 12, हासिल लगा 1, 8 × 5 = 13 और 1 = 14, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर भी लेंगे। तो पहले हम गुणा कराएंगे, किसका गुणा कराएंगे, 521 का गुणा 632 में। अब देखो गुणा कराने का भी ट्रिक बताए थे, देखो 2 × 1 = 2, अब बताओ 2 × 2 = 4 और 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 7, 5 × 2 = 10, 10 × 6 = 6, 10 × 6 = 16 और 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 12, 12 × 10 = 22, 22 हासिल लगा 2, 5 × 3 = 15 और 6 × 2 = 12, 12 × 15 = 27, 12 × 15 = 27 और 2 × 29 की 9 हासिल लगा 2, और ये कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 32। अब देखो 2 और 2 चार अंक बाद लगा दो, यहाँ लग जाएगा, इसके बाद इसमें घटना कितना है, इसमें घटा दो बेटा 2.9272, तो क्या आंसर बताओ आपका 30 आ गया, खत्म, पहली शिफ्ट खत्म होती है बेटा। इसके बाद आपका
अगला वीडियो जो रहेगा वो 15 तारीख की सेकेंड शिफ्ट का रहेगा, ठीक है। आज हमने इतना ही आपको पढ़ाया है, और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको, अगर आपकी शिफ्ट है तो ज़रूर ही देखेंगे, और नहीं है तब भी देखिएगा, ठीक है। और आज इतना ही रखते हैं। हाँ, एक बात और कि आप लोग हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, इस पर आपको डाउट सेशन भी मिल जाते हैं, ठीक है, PDFs भी मिलती हैं जितने भी वीडियोज़ होते हैं सबकी, तो इसको अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और बाकी का बेटा हम लोग मिलते हैं आपको जल्दी, धन्यवाद।